ओम नमो विश्वकर्मणे नमः। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। लोकेशन फ्लैग मत्स्य पुराण के अनुसार देवता मूर्ति स्थापक शिल्पी अर्थात स्थपति ब्रह्मशिल्पी ब्राह्मण के लक्षण। लोकेशन फ्लैग विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण देव प्रतिष्ठा विधिवर्णनम सूत उवाच अतः पर प्रवक्ष्यामि मूर्तिपानान्तु लक्षणम् स्थापकस्य समासेन लक्षण श्रुणुत द्विजा 265.1 सर्वावयव संपूर्णो वेदमंत्र विशारद पुराणवेता तत्वज्ञो दम्भलो भविवजितः 265.2 कृष्ण सारमये देशे उत्पन्नश्च शुभाकृति शौचाचार परो नित्यं पाषण्डे कुलनिस्पृह 265.3 समाः शत्रौ च मित्रे च ब्रह्मोपेन्द्रे प्रियः उहापोहार्थ तत्वज्ञो वास्तुशास्त्रस्य पार्गः 265.4 आचार्यस्तु भावेन नित्यं सर्वदोष विविजितः मूर्तिपास्तु द्विजाश्चैव कुलिना ऋज्वस्तथा 265.5 द्वात्रिंशत् षोडशथापि अष्टौ वा श्रुतिपार्गाः ज्येष्ठमध्यकनिष्ठेषु मूर्तिपावः प्रकीर्तिता 265.6 मत्स्य पुराण अध्याय 265 श्लोक 1-6 अर्थात महर्षि प्रबर सूत जी ने कहा, इसमें आगे में मूर्तियों के लक्षण बतलाता हूँ। ये द्विजगण जो मूर्तियों की स्थापना करने वाले स्थपति ब्रह्मशिल्पी हैं, उनके लक्षणों को आप लोग श्रवण करें। एक स्थापक ब्रह्मशिल्पी स्थपति के किन किन गुणों से सुसंपन्न होना आवश्यक है, ये बतलाते हुए कहते हैं, जो स्थपति ब्रह्मशिल्पी देवों की प्रतिमा की स्थापना करता है वह अपने शरीर के संपूर्ण अवयवों से संयुक्त होना चाहिए, वेदों के मंत्रों का पंडित, पुराणों का ज्ञाता, तत्वों का जानकार, दम्भ लोभ से रहित भी होना उसका आवश्यक है। दो, मूर्ति की स्थापना करने वाला स्थापक या ब्रह्मशिल्पी कृष्णसारी से परिपूर्ण देशों में समुत्पन्न हो और शुभ आकृति वाला होना चाहिए। वह श्रौच के आचार में परायण तथा नित्य ही पाषंड के कुल में आस्था न रखने वाला भी होना आवश्यक है। पाषंड के कुल अर्थात वेद विरुद्ध कुल या नास्तिक नहीं होना चाहिए। 3, देवमूर्ति का स्थापक ब्रह्मशिल्पी पुरुष शत्रु और मित्र दोनों में समान व्यवहार रखने वाला हो, गए ब्रह्मा विष्णु और शिव का प्रिय हो, उहा और पोह तर्क वितर्क के तत्वों का ज्ञाता तथा वास्तुशिल्प शास्त्र का पारगामी विद्वान होना चाहिए। 4, स्थापना कराने वाला आचार्य नित्य ही सभी दोषों से विशेष रूप में रहित होना चाहिए। जो भी द्विजगण मूर्ति स्थापक होवे सभी अच्छे शुद्ध कुलों में समुत्पन्न और सरल स्वभाव एवं व्यवहार वाले होने चाहिए। 5, 32, 16, 8 ऐसी संख्या उन कुलीन ब्राह्मणों ब्रह्मशिल्पी ब्राह्मणों की होनी चाहिए जो देव प्रतिमा की स्थापना के कर्म कराने में सम्मिलित हो तथा ये सभी श्रुति अर्थात वेदों के पारगामी पंडित भी होने चाहिए। ये ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ इन 3 श्रेणियों में विभक्त हुआ करते हैं जो भी मूर्तिप कहे गए हैं। उपर्युक्त मत्स्य पुराण के प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि देवता मूर्ति की स्थापना करने वाला स्थपति ब्रह्मशिल्पी ब्राह्मण मात्र वास्तुशिल्पी नहीं अपितु वेद शास्त्रों का प्रकांड विद्वान होना चाहिए जो शास्त्रीय विधान है, और पूर्वकाल में इन शास्त्रीय मानदंडों को ब्रह्मशिल्पी ब्राह्मण विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण को पूर्ण करते थे, और आज भी दक्षिण के बहुत से ब्रह्मशिल्पी वेद शास्त्रों के साथ साथ वास्तुशिल्प के भी ज्ञाता होते हैं। सभी को विदित हो कि इसी मत्स्य पुराण के अध्याय 252 के श्लोक 2-4 में वास्तुशिल्प के 18 उपदेशक ज्ञाता ऋषियों का उल्लेख है। वास्तुशिल्प शास्त्र के बहुत से ग्रंथ जैसे विश्वकर्म प्रकाश, मयमतम, सम्रांगण, सूत्रधार आदि ऐसे ही उपर्युक्त शास्त्रीय लक्षण स्थपति ब्रह्मशिल्पी ब्राह्मणों विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के संदर्भ में उल्लेख करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अब मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो विश्वकर्मणे नमः।